सुल्तानपुर के गांधी आर्ट गैलरी में आकाश राणा और मीनाक्षी जैन द्वारा आर्ट एग्जीबिशन का आयोजन हुआ, जिसका उद्देश्य सभी युवाओं को बढ़ावा देना और उनकी बनाई हुई पेंटिंग को लोगों के बीच लेकर आना था। इस खास अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में आए विनोद जैन जी, नवीन कुमार जग्गी जी, मधुलिका गुप्ता जी, जिन्होंने वहां पहुंचकर सभी कलाकारों का हौसला अफजाई किया। मेरा नाम मीनाक्षी जैन है और मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करती हूँ। बेसिकली आर्ट मेरा पैशन भी है और अब इसको मैं मोटिवेट करने के लिए और बढ़ाने के लिए आर्ट एग्जीबिशंस जो है हम लोग ऑर्गेनाइज़ करते हैं। मैं और आकाश राणा दोनों, मीनाक्षी जैन और आकाश राणा, हम दोनों मिलके ये सोच रहे हैं कि अगर हम ऐसे एग्जीबिशंस लगाते हैं मिलकर तो सब जन को एक तो एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है कि अपनी पेंटिंग्स लगाएँ वो, और एक ये कोशिश रहती है कि जो इतनी मेहनत करके हम आर्ट बनाते हैं उसको सेल आउट करने का एक माध्यम बन जाता है। उनको एक मीडिया कवरेज का माध्यम मिल जाता है कि उनका पता लगे कि कौन किस तरीके का आर्ट करता है। अब हमारे पास जितने आर्टिस्ट आए हैं सब अलग अलग जगह से आए हुए हैं, जैसे कि कोई अपना मेरठ से है, कोई दिल्ली से हैं, इवन दो चंडीगढ़ से हैं, यूपी से हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से हमारे पास आर्टिस्ट ये सब आए हुए हैं। पहली बात तो ये है कि अगर आप की पेंटिंग सपोज़ कीजिए, आप एक मेहनत करके पेंटिंग बनाते हैं ना, और वो सेल आउट हो जाती है, तो एक आपको मोटिवेशन मिलता है कि नहीं, हमारा आर्ट इसमें इतना अच्छा है, हम उसको और अच्छा बनाएं। दूसरी बात, जैसे अब हर तरीके का आर्टिस्ट होता है, हर एक का अपना एक आर्ट होता है, तरीका होता है करने का, तो एक दूसरे से हम सीखते हैं, तो हमारे काम को हम उसी तरीके से सीख के और अच्छा बना सकते हैं। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि हमारे पास जैसे इंटरनेशनल लेवल के आर्टिस्ट भी हैं जो सीनियर आर्टिस्ट हैं, तो वो जो जूनियर आर्टिस्ट होते हैं उनको एक हेल्पिंग हैंड भी होते हैं उनको सिखाने के लिए, और उनको एक चीज़ और पता लगती है कि मार्केट में किस चीज़ की डिमांड है। अगर वो एक चीज़ सीखते रहेंगे उनको मार्केट वैल्यू नहीं पता लगेगी। बाहर निकलते हैं, बाहर निकल के सबके साथ मिलजुल के काम करते हैं, जैसे हम वर्कशॉप भी ऑर्गेनाइज करेंगे तो दे विल डू देयर वर्क, और हम लोगों ने उनको वो भी दिया हुआ है, थीम भी दिया हुआ है, थीम है हमारा हेरिटेज। अब जैसे लास्ट हमारी एग्जीबिशन थी उसमें हमने रखा था पीस, तो इस तरीके से सब जन अपनी कोशिश करके और अपना माइंड, अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करके उस चीज़ को बनाते हैं। एग्जीबिशन अच्छी है, मेरा थर्ड एग्जीबिशन है ये, और इनके साथ मैंने पहले भी एग्जीबिशन किया है, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। बहुत अच्छा करते हैं ये काम, इन्होंने काफ़ी ऐसे हैंडीकैप आर्टिस्ट हैं उनकी हेल्प भी करते हैं, उनसे फीस कम लेते हैं, तो इनकी काफ़ी अच्छा काम करते हैं, चैरिटेबल भी काम करते हैं। सुभाष गुप्ता है। क्या कहना चाहेंगे आज क्या एग्जीबिशन को देख के? बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग है सभी की, और ख़ासकर मुझे एक बहुत पसंद आई क्योंकि मैं एब्स्ट्रैक्ट करता हूँ, और एब्स्ट्रैक्ट एक बहुत बेहतरीन एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग है, उसको देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। आकाश राणा, आई एम फ्रॉम ब्रोथ यूपी। उद्देश्य है आर्टिस्ट लोगों को मोटिवेट करना, इनका वर्क को प्रमोट करना, मर्मंत लगा इसको। इससे पहले हमने चंडीगढ़ में जो है इनको बढ़ावा देंगे, भाई ये आगे निकलते रहे, अपनी पेंटिंग करते रहे। विनोद जैन सर एक बहुत अच्छा काम करते हैं, वो चैरिटी करते हैं आर्टिस्ट लोगों के लिए कि वो अपना वर्क को प्रमोट करे और आगे बढ़े। मीनाक्षी जैन एक बहुत ही हेल्पफुल लेडी है, वो सब लोगों को साथ देती है, वो भी एक चंडीगढ़ से अपने साथ में अपने आर्टिस्ट फ्रेंडों को मोटिवेट करती है। मेरा नाम मुकेश है और मैं पंचकुला से आया हूँ, और बहुत अच्छा, और परिंदे की तरफ से मैं सेकंड एग्जीबिशन कर रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। आकाश जी और मीनाक्षी मैम ने बहुत अच्छा काम किया, बाम एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट हमारी एकेडमी है वहाँ पे, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मेरे सेकंड एग्जीबिशन है और मीनाक्षी मैम ने और आकाश ने बहुत अच्छा काम किया, और मैं चाहता हूँ कि ये बहुत अच्छे लेवल पर जाए। मधुलिका गुप्ता हूँ मैं, आज का अच्छा शो है। लास्ट टाइम उसने चंडीगढ़ में परिंदे किया था, वो भी उसका सक्सेसफुल गया था, और आज भी इसके शो में बहुत अच्छे अच्छे वर्क लगाए हुए हैं आर्टिस्ट ने। अच्छा है, ऐसे ही करता रहे और आगे बढ़ेगा, ऐसे ही वर्कशॉप करेगा, बहुत सारे आर्टिस्ट को एक जगह बैठ के काम करना, ये सब इन्जॉय करेंगे सारे आर्टिस्ट। मेरा नाम ज्योति सोलंकी है और मैं दिल्ली साइड से अपनी पेंटिंग परफॉर्म कर रही हूँ। फर्स्ट टाइम आकाश के साथ एग्जीबिशन कर रही हूँ, एंड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है उसके साथ अभी तक तो। इससे पहले काफ़ी एग्जीबिशन किए हमने, बट उसके साथ जो ग्रुप शो है वो मेरा फर्स्ट है। माई सेल्फ राखी पालीवाल। लाइफ में इतने कलर्स होते हैं, तो लोगों को हर कलर इंजॉय करना चाहिए, लाइफ जीनी चाहिए, बस थोड़ा मेरी कलरफुल लाइफ। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट और बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग्स हैं, तो बहुत आगे जाएंगे, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और आर्ट के क्षेत्र में जो लोगों को पता ही नहीं था कि इवन छोटे छोटे शहरों से लोगों को उठाना बहुत मुश्किल काम है, और जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं।